कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप तक लास्ट पीरियड में आपको हो गया था, सिंपल माइक्रोस्कोप बता दिया गया था। ठीक आते हैं सर, कैपरा पे चले गए थे। अरे अब भूख में भैया, दो महीना एग्जाम देने के बाद यार। ठीक, और कहीं बहुत आवश्यक कार्य ना हैं जो बिना आपके नहीं चल सकता है, उन सारे को इग्नोर करके दो महीना मेहनत कर लीजिए। एक एक क्षण है, जिसे कहते हैं ना, एक एक क्षण आपके लिए बहुमूल्य है। ठीक, हफ्ते भर गंवा देंगे ऐसे तब तो फिर ठीक है, इसलिए मेहनत से पढ़ डालिए। कार्ड क्या होता है, जब हमारे सिलेक्शन होते हैं ना, और एक नंबर ज़्यादा मिला होता तो KGMC मिलता, एक नंबर कम हो गया तो इलाहाबाद पहुंच गया, तब उस एक नंबर की वैल्यू समझ में आती है, या एक नंबर मिल गया होता तो MBBS मिल गया होता, एक नंबर में कम हो गया तो बाहर आ गए, है ना, कुछ तो मिलेगा ही अगर लेना चाहेंगे। ठीक, तो उस एक एक नंबर की वैल्यू तब अहमियत समझ में आती है। सभी लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक जितना मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं उतना कर लीजिए भैया, बाद में ये ना पछताना होता। और किए होते तो जैसे दो चीज़ें होती ना, या तो बच्चा फेल हो गया कोई बात, उसका एक साल आ ही गया, लेकिन अगर आप पास हो गए और वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है तो फिर वो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना मैक्सिमम कर लीजिए, जितना मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम जितना गेन कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। ठीक, उसमें कोई लिमिट नहीं होता भैया, हमने इतना पा गया तो इससे ज़्यादा पा जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या। ठीक, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है, लापरवाहियाँ नहीं। चलो देखो बेटा, बात कर रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप को किया बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब हम बात कर रहे हैं, कैसे है स्मॉलर ऑब्जेक्ट, नियर स्मॉलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है, पास में जो नज़दीक में छोटी वस्तुएं होती हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट होती हैं, तो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे बालूस का सेल वगैरह हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, तो उनके लिए आप यूज़ करते हैं इसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं बेटा, दो के तीन के चार, कितने लेंसेज होते हैं, किस नेचर के होते हैं, वही होते हैं, कौन कौन से दोनों कॉन्वेक्स, दोनों कान के भी आए, एक कॉन्वेक्स एक कान के, क्या दोनों आप याद आ रहा है, फोटो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एक कान के भी कॉन्वेक्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी पक्का जी, आप भी बताएंगे, दोनों काम के, दोनों कॉन्वेक्स, एक काम के भी कॉन्वेक्स। इन लोगों ने कहा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक कान के होता, दूसरा कॉन्वेक्स होता है लेंस जो यूज करते हैं, कितने लोग सेटिस्फाई हैं इनके आंसर से, वन कान के अदर इज कॉन्वेक्स, ऐसा है क्या, इसीलिए बोला जाता है बुक से पढ़ा करिए। ठीक, जब बुक से पढ़ेंगे ना तो फोटो भी दिखेगा, फोटो दिखेगा तो है ना, देखिए एक ही लेंस होता है, दो लेंस होता है, उत्तल दोनों उत्तल होता है। चलिए बेटा, दो लेंसेज आप यूज करते हैं, और ध्यान रखना दोनों ही कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, दूसरा आई की तरफ होता है उसे आप आई लेंस कह देते हैं, आई पीस भी बोला जाता है। ठीक, चलो आप बता दीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर लेंस का होता है कि आई पीस, आई पीस बड़ा होता है, पक्का आप सहमत हैं इसे, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है। ठीक, तो किसकी साइज, किसका अपर्चर और फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, आई पीस का कि किसका ऑब्जेक्टिव का,
आईपीएस का बड़ा होता है। कितने लोग सेटिस्फाई है भैया? आईपीएस का फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत सारे लोग। आप लोग नहीं सेटिस्फाई हो कैंसर से? नहीं हो आप दोनों लोग? अच्छा हैं, आपने उठाया है। चलिए बैठिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यही डिफरेंस होते हैं बेटा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई लेंस होता है, आई पेंस से हम लोग क्या लेते हैं, उसका फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों क्या होता है, लार्ज होता है। ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, स्मॉल होता है। इसी का जस्ट अपोजिट कर लेते हैं जब हम लोग लेते हैं क्या, ठीक है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में जो आई लेंस होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर का होता है, ऑब्जेक्टिव वाला लार्जर फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर का होता है। उसके रीजन भी होते हैं, ठीक। कोई रीजन बताएगा, जल्दी बताए क्यों ऐसा होता है कि हम लोग जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेते हैं तो वहाँ का ऑब्जेक्टिव भी स्मॉलर होता है, और जब हम लोग टेलीस्कोप या टेलीस्कोप लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव की साइज लार्ज रखी जाती है। डिस्टेंस ज़्यादा रीजन बता दीजिए, जल्दी से बताओ, अगर मालूम हो नहीं तो बताएंगे। बताओ तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? डिस्टेंस बड़ा होने से क्या है जल्दी? वहाँ पर सर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रहता है, छोटे वाले में पास रहता है तो इनफाइनाइट पे रहता है, तो उसके लिए हमको फोकस को और बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए ब्लू वाला लाना लगते हैं। और यहाँ से फोकस को बढ़ाना पड़ता है, फोकस तो कई लेंस रखेंगे तो इमेज तो उसके इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट तो फोकस पर बनेगा। जी सर, तो दूरी बढ़ने की वजह से करते हैं। दूरी बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा? दूरी बढ़ेगा तो उसके लिए हमको फोकस को और कर्व करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। जितने फोकस का उसका एरिया बढ़ाते जाएंगे तो और दूरी कवर करके और पास लेकर आएगा। अगर हम छोटा कर देंगे तो नहीं होगा, इस वजह से छोटे से बड़ा उसमें जाते हैं। वो जो आपका होता है जो पावर होता है, ठीक है, वो कन्वर्जन डाइवर्स करने या फोकल लेंथ यूनिवर्सिटी हम लोग कह लेते हैं। तो उससे आपका जो पूछा जा रहा है क्यों हम बड़ा रखते हैं, तो बड़ा रखने के लिए तो उसका वो नहीं है, वो तो आप जो चेंज आप रीजन बता रहे हो, बड़े रखने का वो रीजन नहीं है। आप कुछ हाथ उठा रहे थे, आप भी बता दीजिए। इसलिए फोकस बड़ा रखते हैं। बैठिए, देखो बेटा जो रीजन एग्जैक्ट हो गया है, ठीक है, वो होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फादर डिस्टेंस पे होगा, लार्ज डिस्टेंस पे होगा, तो वहाँ से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। जैसे बल्ब यहाँ जल रहा है ना तो हमें रोशनी तेज़ मिल रही है, बट यहाँ रोड से कोई इस बल्ब को देखेगा तो रोशनी क्या होगी, डिम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी जो आपकी होती है, जो रे वहाँ से आएंगे आप यहाँ से, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ठीक। तो उस केस में उनका अगर आपके साइज किसका ऑब्जेक्टिव लेंस का स्मॉलर लेंगे तो वहाँ से इंटर करने वाली लाइट जो होगी वो भी कम आएगी, और कम अमाउंट की लाइट इंटर करेगी तो जो इमेज बनेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, डल इमेज बनेगा। और जब हम लोग लार्जेस्ट साइज का, जैसे इतने साइज से जो भी रेडिएशन आ रही हैं, इतनी ही एरिया रेडिएशन वहाँ से जाएगी, वही आपका क्या करेगा, इमेज का फॉर्मेशन करेगा। और जब यही लेंस हम लोग लार्ज साइज का लेते हैं तो आप इतनी एरिया से इंटर करने वाले जो भी रेडिएशन है वो सारा इमेज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। मोर ब्राइटर इमेज ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग क्या टेलीस्कोप में लार्जर लेते हैं इन कंपेरिजन टू माइक्रोस्कोप। अब बात करोगे माइक्रोस्कोप की, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट पास में है तो यहाँ से जो इमेज होने वाली जस्ट उसी के ऊपर क्या है लेंस है, तो क्या करेगा माइक्रोस्कोप यहाँ से इमेज होंगे वो कहाँ तक पहुँचते हैं, लेंस तक पहुँचते हैं, इसलिए वहाँ इंटेंसिटी फैक्टर काम नहीं करता है, हमारी इंटेंसिटी वहाँ से प्रॉपर मिलती है, ठीक।
लेकिन जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है या लार्जर डिस्टेंस पे है तो उसके इसमें जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो रिड्यूस हो चुकी होती है, इसलिए एक ब्राइटर इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर का क्या लेंस यूज़ करते हैं। ठीक, ये मेन पर्पज होता है। ठीक है, हाँ, इमेज की इंटेंसिटी जो हो ब्राइटर हो, ठीक है, इसकी वजह से आपका साइज क्या लेते हैं लार्ज कर लेते हैं। ठीक, चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा जब हम देखेंगे एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसका आई पीस होता है, ठीक, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा ये आपका हो गया एफ, ये आपको ले लेते हैं सेट टू, ये आपको ले लेते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट हो चुकी, हमें जब भी मैग्नीफाई करना है, मैग्नीफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना कंपलसरी है, मैग्नीफिकेशन के लिए जो ऑब्जेक्ट आपका रखा जाएगा बेटा वो कहाँ पे रखना आपका कंपलसरी होगा। ठीक है, फोकस और क्या बीच में किसके एफ और टू एफ के, या दोनों हमारा क्या होगा यहाँ से इनके आवे होगा या फोकस के अंदर, फोकस बीच में। देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है मैग्नीफिकेशन करना है, मतलब इमेज को मैग्नीफाई करना है, तो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या होता है आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो 2f के अंदर होना चाहिए। पहली कंडीशन कहाँ पर होना चाहिए 2f के अंदर, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f के अंदर आप रखते हो तो इमेज हमेशा इलार्ज मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट। बट अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगा इलार्ज होगा और रियल मिलेगा, बट अगर f और p के बीच में आप रखेंगे तो इलार्ज तो होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधा बट वर्चुअल मिल जाएगा, वर्चुअल मिल जाएगा। तो हमें इनलार्ज एंड इरेक्ट क्या इनलार्ज एंड रियल इमेज ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा एफ और टू एफ के कहाँ रखते हैं बीच में रखते हैं। तो पहला जो आपका होता है लेंस वहाँ पे जो आप रखेंगे ऑब्जेक्ट जो रखा जा रहा है किसके बीच में एफ और टू एफ के बीच में कहाँ पर रखेंगे एफ और टू एफ के बीच में रखा जाता है। एक रे जो आपकी जाएगी वो सीधे सीधे जाएगी बेटा, जो सीधे सीधे जाएगी वो कहाँ से पास आउट होगी फोकस से, पास आउट होगी कहाँ से जाती है बेटा फोकस से जाएगी। ठीक, दूसरा आप आपका सेंटर से अगर आप लेते हो तो यहाँ से जो रे जाएगी हो गया ना, तो ये ले आपका क्या हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन है, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है अगर ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच में रखा गया है तो हमेशा टू एफ से क्या होगा अवे आपका इमेज बनेगा, और जो फर्स्ट इमेज बनेगी आपका ऑब्जेक्ट का या फर्स्ट इमेज है मानो आइडियाज, फर्स्ट इमेज क्या हो गया आइडियाज, जो फर्स्ट इमेज आपका ऑब्टेन होता है बाई किसके द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, वो सेकंड लेंस के लिए काम करेगा इमेज का ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का ठीक वो काम करता है ऑब्जेक्ट का काम करता है किसके लिए आई पीस के लिए, इसी को आई लेंस या आई पीस कह लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं आई लेंस का आई पीस आपका हो गया। ठीक, जैसे कॉर्ड आई लेंस आई पीस क्या रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगी रे जाती है। अब कंडीशन क्या होता है हमें क्योंकि इसका इनलार्ज इमेज ऑब्टेन करना है फाइनल और इरेक्ट मतलब जो हमें इरेक्ट दिखे, अब थोड़ा सा यहाँ बड़ी कंट्रोवर्सी आती है बेटा इस ऑब्जेक्ट का जो पहला आई लेंस इमेज बना हुआ है ये काम करेगा आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा हमें इसका किसका इस पहले इमेज के रिस्पेक्ट में इरेक्ट इमेज बनाना है। ठीक, तो जब इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट बनाएंगे तो इसे इसके एफ ओ के एफ ए के अंदर रखना होगा या एफ ए से दूर रखना होगा, किधर रखेंगे एक इन दोनों लेंसेज लेने के जो हमारा क्या होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप होता है कंपाउंड, उसमें एक क्रैक पीरियन अरेंजमेंट होता है उसकी हेल्प से हम लोग इनके बीच के म्यूचुअल डिस्टेंसेस को क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। कितने लोगों ने देखा है ऐसा करें कि इसके फोकस के लैब में कितने लोगों ने क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया है, हाथ उठाओ, लैब में कितने लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया है, 1 and 2 बस देखे थे लेकिन मार दिया, अच्छा मार के भगा दिए गए, गलत कर दिए थे ना पहले वाले से, इसके पहले वाले गलत कर दिए, उसके इसमें क्या होता है आप देखो वहाँ पे बगल में क्या मतलब उसके बेस में हम दोनों उसके बीच के सेपरेशन को सेट करते हैं। ठीक, तो उसी को राइट पिनियन अरेंजमेंट कहते हैं, पहले वो भी इस जमाने में पूछा जाता था बाय विच अरेंजमेंट से क्या क्या डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज कैन बी रीअरेंज्ड,
उसी को टर्म देते थे राइट क्लियर अरेंजमेंट। चलिए आप जो नहीं देखे हैं वो फोटो किताब में देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी वो फैसिलिटीज नहीं है कि आपको क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाएं हम लोग। ठीक, चलिए देखते हैं तो इसके जो पहला जो इमेज होता है इसके रिस्पेक्ट में इवेंट बनाने के लिए हम लोग इस पहले इमेज को आई लेंस के फोकस के अंदर एडजस्ट किया जाता है। कहाँ? फोकस के अंदर रखते हैं, और जब फोकस के अंदर रखेंगे बेटा ठीक तो ये हो गया हमारा एफ ए, ये पैरेलल बन जाएगी, कौन जाएगी पैरेलल, और जो पैरेलल जाती है ये हमारे पास आउट हो जाएगी कहाँ से, फोकस एफ ई से पास आउट हो जाएगी, कहाँ से पास होगी एफ ई से पास आउट हो जाएगी। ठीक, तो इस कंडीशन में एफ ई से आपका क्या हो रहा है पास आउट होता है। दूसरा जो आपका है सेकेंड जो आपका है वो हमारा कहाँ पे सेंटर का फीचर पे है, इसको अगर आप दिखाते हैं वो फाइनल हमारा क्या बनेगा इमेज ये फाइनल इमेज होता है। ठीक, तो इस केस में जो आई लेंस के द्वारा बन रहा है तो इसी को हम लोग बी ई कह लेते हैं, बी ई ये जो है हमारा किससे इसे कह देंगे आप यू ई, इस डिस्टेंस को क्या ये दिखा कर क्या दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड यू ई, जो आपका आई लेंथ से ऑब्जेक्ट पहला है पहला इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो यू ई हो गया। इस डिस्टेंस को हम लोग वी ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किससे ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बना उसके डिस्टेंस को वी ओ से, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस से एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस को यू यू ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, ये फाइनल इमेज हमारा आई बन रहे हैं जो काम जो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई पड़ता है। ठीक, अब जो फाइनल इमेज है अगर उसके बारे में आपको पूछा जाए फाइनल इमेज भी रियल और वर्चुअल तो कैसा होगा, रियल वर्चुअल। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम लोग वर्चुअल कहते हैं। तो जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है बेटा वो कैसा है आपका वर्चुअल है। ठीक, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है कि इरेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बेटा इन्वर्टेड है। देखो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है ना सीधा सीधा और इमेज कैसे बना उल्टा, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये कैसा है इन्वर्टेड है। ध्यान रखना जब सिंगल लेंस से हम लोग बनाते थे सिंगल क्या अगर आपका कैसा कॉन्वेक्स लेंस होता था तो उससे जब कैसा है इमेज इमेजिनरी बनता था तो उस केस में वो इरेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है टू लेंस के कॉम्बिनेशन से हम लोग बना रहे हैं तो ये जो फाइनल इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो इरेक्ट नहीं है ना, इसके रिस्पेक्ट में कैसा है इरेक्ट है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट कौन लिया है एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही है इसके रिस्पेक्ट में कैसा है इन्वर्टेड है, तो वहाँ से कंक्लूजन तो ये है। जी सर, एक और लगा दो रूप पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट है, एक और लेंस लगा दो रूप पे आ जाएगा कहाँ पे एक लेंस और आगे बढ़ा दो हाँ फिर से इधर ही आता जाएगा नहीं, अब ये तो डिपेंड करता है जैसे आपने इस लेंस पर लगाया अलाइनमेंट कैसे है, वो खाली लेंस पे नहीं डिपेंड करता, लेंस की पोजीशन कहाँ पे है वो पोजीशन डिसाइड करता है आपका इमेज कहाँ बनेगा। फिर आप कंपाउंड के माइक्रोस्कोप हम लोग लेते हैं, यहाँ दो लेंस यूज करते हैं, जब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप लेते हैं कौन सा एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपने पढ़ा होगा एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़ा होगा, जब हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं तब उस कंडीशन में तीन लेंसेज लिया जाता है उसमें एक इरेक्टिंग लेंस होता है, चलते वहाँ पे इरेक्टिंग लेंस लेते हैं जो सीधे को उल्टे को सीधा कर देता है। ठीक है, वो उसकी मैग्नीफाइंग पावर पर उसका कोई रोल नहीं होता, केवल जो इमेज होता है उसे इरेक्ट करके दिखाता है। ठीक, जैसे आप हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहाँ यूज करते हैं ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें हैं जैसे क्रिकेट विकेट कुछ बड़े शौकीन लोग होते हैं ना लेके जाते हैं तो वो वाला टेलीस्कोप कौन सा होता है वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। अगर आप क्या ले लेंगे एस्ट्रोनॉमिकल ले लेंगे तो पता लगा प्लेयर का पैर ऊपर दिखेगा और सर नीचे दिखेगा, तो कंडीशन में हम लोग वहाँ पर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप दिया जाता है। ठीक बेटा, तो पोजीशन कहाँ बनता है बेटा डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और क्या जो लेंस है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा इमेज की पोजीशन डिसाइड होती है, उसके बेस पर हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं कहाँ पे फाइनल पोजीशन होगा। तो बना लीजिएगा हेडिंग किया है आपने क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायग्राम बनाइए बेटा जल्दी करिए। हो गया बेटा,
पराठे खिला सकते हैं। क्या चीज़? दो तीन चार पाँच ऐसे ढेर रख के आप उसको मैग्नीफाई और कर सकते हैं और उसको यूज़ करके, बट कंडीशन क्या होता है ना उसकी पोजीशन का एडजस्टमेंट से प्रॉपर ऊपर नहीं हो पाए। जैसे आप मान लो यहाँ से बनाए, अब ये इमेज बन गया, अब इसका इसको आप एडजस्ट करें इसके या पर कोई अपने बीच में, तो ये इसको सीधा फिर बनाएगा, ठीक इलाज करेगा, फिर उसका अगर आप एक इन्वर्टर बनाएंगे तो फिर बनेगा। तो होता क्या है ना, आप उसको तो मैग्नीफाइंग पावर को इस टाइप से बढ़ा सकते हैं, बट कंडीशन क्या होगा उसको वियर करना बहुत टेढ़ा हो जाएगा। सर जी तो सबसे अच्छा ये दो ही ठीक लगा। हाँ यहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं दो ही लेंस का, इसका दूसरा ज़्यादा नहीं करते, फिर उसका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक, अरे इसी में करना है आपको, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है इसके फोकल लेंस को, एडजस्ट कर लीजिए, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा यार। ठीक है, चलिए लिखिएगा, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू कन्वर्जिंग लेंसेज, कन्वर्जिंग बगैर में कलो कॉन्वेक्स, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू कन्वर्जिंग बगैर में कॉन्वेक्स लेंसेज टू कन्वर्जिंग लेंसेज बगैर में कलो कॉन्वेक्स लेंसेज टू कन्वर्जिंग बगैर कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड वन इज ऑब्जेक्टिव हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर while other is eyepiece mechanical eye lens, इसको आई लेंस भी बोलते हैं, आई पी एस भी बोलते बेटा, अदर इज आई पी एस आर आई लेंस विच हैविंग हायर फोकल लेंथ एंड हायर अपर्चर, यानी एफ ऑब्जेक्टिव जो यहाँ लेते हैं बेटा, एफ ओ की जो वैल्यू होती है वो एफ ई से क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक, तो आई लेंस का जो आपका क्या है फोकल लेंथ है वो आपका यहाँ पे लार्ज होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो आपका फोकल लेंथ है वो स्मॉल होगा। ठीक, लेकिन अब देखिए कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप का इंटरमीडिएट इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड एंड कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो लिख लीजिएगा इंटरमीडिएट इमेज, राइट आंसर लिखो इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड कैसा होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तो कैसा होगा आपका जो इमेज बनेगा वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ठीक, इन्वर्टेड एंड इन लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो कैसा होगा इसके बेस पे आप यहाँ से दिखा देते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू क्या कह दिया आपने, ऑब्जेक्ट। तो आप जो ऐसे भी बचाना है चाहते हैं, इसमें ये इसकी पोजीशन आगे पीछे करते हैं, एडजस्ट करके उसकी पोजीशन को
एडजस्ट किया जाए दोनों लेंसेज के बीच के सेपरेशन, उसके बेस पे फिर इमेज हम फाइनल ऑब्टेन करते हैं। ठीक, ओके बेटा। तो अब कंडीशन यहाँ पे जब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे, किसी बात करेंगे बेटा मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं, तो दो कंडीशन में जो वी ई होते हैं, वी ई की वैल्यू इनफाइनाइट से लेके डी के बीच में कहीं भी इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं उसके एडजस्टमेंट पे। मतलब डी के डिस्टेंस से लेके इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी इमेज करके अफॉर्मेशन किया जा सकता है, आइदर डिस्टेंस इनफाइनाइट या बिटवीन डिस्टेंस एंड इनफाइनाइट, तो कहीं भी लाई करता है। तो हम लोग दो पोजिशन पे बेटा मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला रखते हैं, एक होता है डी डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल डी पे, और दूसरा होता है जब फाइनल इमेज हमारा कहाँ बने, इनफाइनाइट पे बने। तो दो कंडीशन में उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा उस पर रिलेशन पे क्वेश्चन अराइज होता है, और फिर उसके लेंस जो आपका क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहे हैं उसकी लेंस क्या होगी उस पर पूछा जाता है। ठीक, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कौन क्या है, समझ लो ना, एफ ई जो हो जाएगा, एफ ई आपका फोकल लेंथ हो गया आई पी एस का यानी आई लेंस का, एफ ओ जो होगा फोकल लेंथ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, यू ओ हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, बी ओ डिस्टेंस ऑफ इमेज फर्स्ट इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, एंड वी ई यू ई यू ई हो गया डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट इंटरमीडिएट इमेज फ्रॉम द आई लेंस, एंड वी ई हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द आई लेंस। ठीक, तो नीचे लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑब्टेन एट गिवन एट टू पोजिशंस। इसका ए लिखिएगा फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, अगर फाइनल इमेज हमारा बेटा डी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव विदिन डी पे बनता है, तो पहला हो गया व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड लीस्ट डिस्टेंस डी एट कहाँ पे डी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव विजन, अगर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन आपका कैपिटल डी पे हो रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव विजन पे, तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होगा लिखेगा एम डी इक्वल टू, किसी को फार्मूला याद है बेटा मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, बताइए वन प्लस डी बाई एफ ई बेटा। और कोई लोग बेटा देखो जो मैग्नीफाइंग पावर में निकालते हैं, इन्होंने बाकी सही बताया थोड़ा साइन नहीं बताया, साइन क्या लेंगे प्लस माइनस, क्या फाइनल में सीधा बना है माइनस हो जाएगा ना, एम जो होगा एम इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर जो बनता है माइनस बी ओ अपॉन यू ओ ऑब्जेक्टिव इमेज जो डिस्टेंस आपकी है और यू ओ हो गए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, वन प्लस कितना डी बाई एफ पी आई एम सी जो आपका क्या है फोकल लेंथ है उन पर डिपेंड करता है। ठीक, हम जरा सुनना बेटा, आपने फार्मूला लिखा माइनस वी ओ अपॉन यू वन प्लस डी बाई एफ पी लिखा, डी आपका फिक्स है 25 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू जो 25 सेंटीमीटर है कैसा है आपका उसमें तो चेंज होना नहीं बेटा, हम लोग यू ओ की वैल्यू को एडजस्ट करके वी ओ चेंज कर सकते हैं, यू ओ की वैल्यू को एडजस्ट करके वी ओ की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब वी ओ की वैल्यू आपने चेंज किया, अगर वी ओ की वैल्यू जितनी लार्ज होगी यू की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतनी ही मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या मिलेगी क्या है। दूसरी चीज़ें हैं वन प्लस डी बाई एफ है, यानी कि अगर आपको सब कुछ सेम सेम फिक्स कर दिया जाए उस केस में शायद जो हमारा आई लेंस की फोकल लेंथ है उसको हम लोग कैसे चेंज करके बेटा क्या कर सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा सकते हैं। देखो बेटा ये डिवाइडेड क्वान्टिटी में है डी प्लस क्या वन प्लस डी बाई एफ ई है, यानी एफ ई की वैल्यू अगर लार्ज होगी
इसका रेशियो स्मॉलर होगा, स्मॉलर होगा तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आपको स्मॉल मिलेगी। अगर एफ पी की वैल्यू स्मॉल रखेंगे तो उस केस में आपका इनका रेशियो क्या होगा, लार्ज होगा। इनका रेशियो लार्ज होगा तो वन प्लस इतना ऐड हो रहा है ना, तो रिजल्टेंट हमारी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी। तो मैग्नीफाइंग पावर को लार्ज ऑपरेट करने के लिए आपको क्या एफ पी छोटा एफ पी की वैल्यू स्मॉल रखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू एफ पी की जो वैल्यू है कैसा होना चाहिए आपका, इस मॉडल होना चाहिए जिसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उस कंडीशन में एफ पी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपको, इस मॉडल होना चाहिए। अगर आपका क्या हो रहा है कि कब बढ़ाना मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना है विदाउट वी और यू को चेंज करके, और दूसरा अगर एफ पी फिक्स है, एफ पी की वैल्यू अगर कॉन्स्टेंट है, फिर हमें क्या करना है मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करना है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट है क्लोज टू कहाँ रखेंगे, एफ ओ रखेंगे। एफ ओ रखेंगे तो यू घट जाएगा ना, यू की वैल्यू घटेगी, यू घटेगी जैसे जैसे आपसे किधर जाएगा इमेज क्या होगा दूर जाएगा, वी ओ की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे इसके बेस पे ठीक है हम लोग रख के डिटरमाइन कर देते हैं एम की वैल्यू माइनस वी ओ मान यू वन बाई डी वाई क्या हो जाता है एफ ई के बराबर होता है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को जो पोल के बीच में नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को एफओ और पोल के बीच, ये जो एफओ और पोल के बीच में इमेज इधर बन जाएगा वर्चुअल बन जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में जो हमारा क्या इसके पर्पज हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा, ठीक। तो सीधे हम ऑब्जेक्ट को ही वही बना रहे हैं, इसलिए जो होते हैं हम लोग पहला जो रखते हैं हमेशा एफ और एफ ई के एफ और टू एफ ओ के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। दूसरा ऐसा बने कि अगर आपको जो सेकेंड आर्गुमेंट है ठीक, अगर फाइनल इमेज हमें इनफाइनाइट से पहले बनाना है तो ये हमेशा एफ ई के बीच में रहे। अगर फाइनल में फाइनाइट को बनाना है तो कहाँ पहुँच जाए वो, उसके फोकस पर रख देंगे फाइनल इनफाइनाइट पर पहुँच जाएगा फिर अगर कंडीशन हम लोग करेंगे, ठीक। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। अब ये बताओ बेटा कितने रूप देख के बता सकते हो कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बी ओ प्लस यूवी, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बताओ, वीओ प्लस वी ओ प्लस यू ई, कितने लोग कह रहे हैं वी ओ प्लस यू ई के इक्वल होगा लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वैल्यू जो होगी, कितने लोग बोल रहे वी ओ प्लस यू ई के इक्वल होगा, वी ओ प्लस यू ई के इक्वल होगा कितने लोग कह रहे हैं, जब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बोलेंगे तो लेंथ जो होता है याद रखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो लेंथ होता है या टेलीस्कोप का जो लेंथ होते हैं वो दोनों लेंसेस के बीच का सेपरेशन होता है, दोनों लेंसेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा उसी को लेंथ ऑफ द क्या कहेंगे आप, क्या बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलेंगे। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो एल की वैल्यू होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वी ओ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वी ओ है, ये वैल्यू वी ओ और प्लस क्या यू ई के बराबर हो जाएगा, वी ओ प्लस क्या हो जाएगा यू ई के बराबर हो सकता है, लेंथ ऑफ द क्या कह रहे थे हम लोग टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कह रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह रहे हैं, ठीक। दूसरा होता है बेटा नोट कर लीजिए बाकी बताएं, सेकेंड पार्ट बनता है जब फाइनल इमेज हमारा कहाँ बने इनफाइनाइट पे बने, ये तो हो गया था जब फाइनल इमेज आपका कहाँ बना था बेटा किस पे डी पे बन रहा था, तो आपने फार्मूला बनाया कितना माइनस वी ओ वन यू वन प्लस डी वाई कितना हो गया आपका एफ ई के बराबर हो गया। लेकिन अगर यही जो आपका बना रहे हैं फाइनल इमेज हमारा कहाँ पे बन जाए इनफाइनाइट पे बन जाए तब क्या होगा, चलिए लिखिएगा सेकेंड ये नोट कर लिया बना दे जल्दी खाली इतना लिखना खाली बनाना बनाना हो गया। सेकेंड पार्ट लिखेगा वैन फाइनल इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी
सेकेंड पार्ट इसका हो जाएगा बेटा, व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, लंबी बातों वाले को छोड़ दीजिए, डिलीट मार दीजिए। तो जल्दी निपटा लिया होते, कह दिया तो क्लास में है। क्या लिख लिया? व्हेन फाइनल इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट पे होगा। व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज आपका कहाँ पे बना बेटा, इनफाइनाइट पे बनेगा। मैग्नीफाइंग फार्मूला जो होता है आपके सब कुछ सेम सेम रहता है बेटा, माइनस ए और पानी यू को ये जहाँ वन लिखते थे ना कुछ यही हट जाता, तो क्या आ जाएगा आपका डिविडेंड। अच्छा ये बताओ, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कि जब फाइनल इमेज जी पे बनेगा तो मैक्सिमम, जब फाइनल इमेज आपका इनफाइनाइट पे बन रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू लार्ज मिलेगी, ठीक है, या मैग्नीफाइंग जब फाइनल इमेज डी पे बनेगा तब लार्ज मिलेगा। जब फाइनल इमेज आपका डी पे बनता है तो जो लेंथ का माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होता है, और जब यही आपका इनफाइनाइट से बनेगा तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू मिनिमम होती है। मतलब फाइनल इमेज अगर आप इनफाइनाइट पे बना रहे तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, और जब हमारा कहाँ पे बनेगा डी पे तो उस केस में बेटा मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम। कितने लोग बताएंगे हाथ बनाए कि जो लेंथ आपका माइक्रोस्कोप होगा जब हम इन्फिनिटी पे ले रहे हैं तब क्या होगा, और ये इसे एल डी से दिखा दो जब डी पे बना था तब ये फिर एल इनफाइनाइट, यानी लेंथ आप माइक्रोस्कोप पे होगा जब फाइनल इमेज हमारा कहाँ पे है इनफाइनाइट पे बना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर फाइनल इमेज आपका इनफाइनाइट पे है तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी उसको आपको दिखाना है जी। हाँ बी ओ प्लस बेटा या फिर ई, कितने सेटिस्फाइंग आंसर्स हैं, चलिए सही बताया। देखो जब आपको इनफाइनाइट पे बनाना है तो पहला वाला तो बी ओ हो गया, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट आपका इंटरमीडिएट इमेज बना है वो आई लेंस के फोकस पे होगा, तब इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा इनफाइनाइट पे। तो फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे ऑब्टेन करने के लिए, फाइनल इमेज कहाँ ऑब्टेन करने के लिए, इनफाइनाइट पे ऑब्टेन करने के लिए बेटा जो हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट इमेज बना हुआ है वो आई लेंस के फोकस पे होना चाहिए। तो जब फोकस पे होगा तो जो दूरी हम लोग यू ई से रिप्रेजेंट करते थे उसी को एफ ई कह लेंगे, तो इस कंडीशन में एल इन्फिनिटी की वैल्यू होगी कितना बी ओ प्लस ये हो जाता है। और अगर इनिशियल ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट पे हो और फाइनल इमेज भी इनफाइनाइट पे बनाना हो तब क्या होगा आपका लेंथ आपका क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो एट इनफिनिटी एंड फाइनल इमेज भी आल्सो फाउंड एट इनफिनिटी, तो लेंथ आपका क्या किसका माइक्रोस्कोप विल बी टू इनफिनिटी एंड इनफिनिट। अरे सोच से बता रहे हो जाएगा कुछ नहीं आज बार बोल चुके आप पूछ लिया क्या कह रहे हैं इनसे बताने के बाद क्वेश्चन बोला गया इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी एंड इट्स फाइनल, हाँ इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी एंड इट्स फाइनल इमेज इज आल्सो फाउंड एट क्या इन्फिनिटी, देन द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी, जब भाई ये इनफाइनाइट होगा तो कहाँ बनेगा इमेज फोकस पे, और जब ये इसको इनफाइनाइट बनाना तो ये फोकस पे होना चाहिए, तो सेपरेशन एफ पी प्लस एफ ओ प्लस एफ पी के बराबर होता है, बट हम ऐसा यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब इनफाइनाइट होगा तो
ये मैग्नीफिकेशन नहीं करेगा, वो तो डीमैग्नीफिकेशन कर देगा ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनेगा बहुत छोटा होगा, और हमें इसका यूज कर रहे हैं मैग्नीफाई करने के लिए। तो बड़ा करने की जरूरत पड़ेंगे तो हमेशा सीरीज 2 या 4 से क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अंदर ही रखा जाता है, बाहर नहीं रखते। ठीक समझे जी हैं। अब ऐसे करके बैठिए तो कैसे समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग चलाते रहो हैं। तो लोग दिमाग को बंद कर देते हो। इमेज फॉर्मेशन बताया गया था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसका इमेज उसके फोकस पे बनता है। ठीक, अब इमेज फॉर्मेशन में रहे होंगे तभी लेट हो पाएगा। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो अगर हमने ये कंसिडर करते हैं, अगर इसका हमारा ऑब्जेक्ट रहने वाला इनफाइनाइट पे है तो इसके फोकस से एफ पे इमेज बनता है, और इससे हमें इनफाइनाइट में फिर दोबारा बनाने के लिए ये जो फोकस है इसी पे हमारा क्या हो गया, इसका भी फोकस होना चाहिए था, यानी आपको और एफ एक ही जगह पर लाई करना चाहिए। तो इधर वाली दूरी एफ ओ, और ये अगर यहीं पर लाई करता तो इधर वाली दूरी एफ ई हो जाता, तो कुल दूरी एफ ओ प्लस एफ ई हो जाता। ठीक, बट उस पॉइंट हम लोग यूज नहीं करते। ठीक, चलिए नेक्स्ट करेंगे। तो लेंथ आपका हो गया एल ओ की, एल पेटी की वैल्यू बी ओ प्लस एफ ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक, लिखिएगा नीचे पॉइंट कर लीजिए, बोले लिखिए। फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन, फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन, फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बोथ एफ ओ एंड एफ ई, बोथ एफ ओ एंड एफ ई शुड बी स्मॉल, बोथ एफ ओ एंड एफ ई शुड बी स्मॉल। बोथ एफ ओ एंड एफ ई शुड बी स्मॉल, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ वाले नहीं होने चाहिए। लार्ज फोकल लेंथ का होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू घट जाती है। ठीक, दूसरा बोला जाता है अगर जो आपका माइक्रोस्कोप है उसकी लेंथ की वैल्यू बढ़ाई जाए, लेंथ की वैल्यू क्या की जाए, बढ़ाई जाए, तो उस कंडीशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या जो हमारा क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर होगा, उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो लिख लीजिएगा, इफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, इफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीजेस, इफ लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीजेस, ठीक, इफ लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस, लिखिए, देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर क्या करेगा, इंक्रीजेस, देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेस। तो उस कंडीशन में आपका जो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू होती है वो हमारी क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, अब अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर एम ओ हो, आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर बेटा एम ई हो, तो रिजल्टेंट जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो कितना होगा। जैसे आपको ये फार्मूला रिलेशन ना दिया गया हो, सीधे कह दे एम ओ की वैल्यू इतनी, एम ई की वैल्यू इतनी है, तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर आपका क्या माइक्रोस्कोप कितना हो जाएगा, एम ओ प्लस एम ई, कन्फर्म नहीं है जी। याद रखेंगे अगर इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर दोनों लेंसेज का आपको दिया है बेटा, एम ओ की वैल्यू दी गई है और एम ई की वैल्यू दी गई है, मतलब दोनों लेंसेज की मैग्नीफाइंग पावर दिए गए हैं, तो जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसके जो मैग्नीफाइंग पावर होता है दोनों के मैग्नीफाइंग पावर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो लिख लीजिएगा, इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, सर कोई रोल नहीं होगा, नहीं बेटा, इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज
इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज, इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ क्या लिखा आपने, ऑब्जेक्टिव लेंस इज एम ओ एंड आई लेंस इज एम ई, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज एम ओ एंड आई लेंस इज एम ई, हो गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज एम ओ एंड आई लेंस इज एम ई, आई लेंस की आपकी एम ई है और ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना है, एम ओ है, ठीक। देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी, लेकिन एम इक्वल टू एम ओ दोनों के प्रोडक्ट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हो गया। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं नेट मैग्नीफिकेशन कितना होगा अगर आपको इंडिविजुअल दिया गया है तो, ठीक, इंडिविजुअल दिया गया है तो क्या होगा उसके बेस पर आप प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। जी सर, आगे लिखेंगे बेटा, देखो एस्ट्रोनॉमिकल वाला है ना, चेक करिए, जल्दी से। पहले हम लोग इतना पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ते थे, गैलेनियन टेलीस्कोप पढ़ते थे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ते थे, ठीक। अभी मिला, लाइए लाइए, रिफ्लेक्टिंग के नाम से भी दिया जाता है, कहाँ से देख के बोले हो ऐसे, जी क्यों मोटा मोटा लिखा हुआ यार, जी एस्ट्रोनॉमिकल है ऐसे, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग करो बेटा एस्ट्रोनॉमिकल। अब इस पे क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले बनेगा, बाकी थ्योरेटिकल बनेगा, ठीक। तो लिखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ओके, अभी स्टार्टिंग में समझाया था, जब हम लोग बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी लार्जर साइज, लार्जर अपर्चर, आई पीस विल बी स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉलर साइज, ठीक। तो यहाँ पे जब दिखाएंगे तो इसी का उल्टा एक तरह से कह लो हम लोग बना लेते हैं, इधर ही देखो बेटा, जब एस्ट्रोनॉमिकल की आप बात करोगे तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव की अपर्चर और फोकल लेंथ बेटा लार्ज होते हैं, और जो आई पीस होता है उसका अपर्चर और फोकल लेंथ कैसा होगा आपका, स्मॉल होगा, ठीक, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, स्मॉल होगी। तो यहाँ से दिखाओगे
जो रे होता है, क्योंकि हम लोग लार्ज डिस्टेंस से कंसीडर करते बेटा, यानी इनफाइनाइट आपको एज्यूम कर लेते हैं, तो ऑलवेज इनफाइनाइट से आने वाली रे पैरेलल होती है। क्या होती है आपकी? पैरेलल होती है। बट यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग नहीं लेंगे। रीजन क्या है, जब आप रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो उस केस में जो इमेज बनता है वो पॉइंट इमेज बनता है। ठीक, और जब पॉइंट इमेज बना देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर हमारा दूसरा इमेज जो है फिर वहाँ पे मैग्नीफिकेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे प्रॉपरली। तो इसीलिए रे तो आपस में पैरेलल आती हैं बट वो पॉइंट आपकी नहीं होती है। ठीक, तो एक रे को आप सीधा सीधा ये आपस में दोनों पैरेलल आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल रे हैं। और आ कहाँ से रही है, हाँ मान लो इनफाइनाइट पे रही है आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रही आपकी दोनों परिस्थिति आ रही है। तो जब इमेज बनाएंगे तो पहला जो इमेज बनता है बेटा वो हम लोग कहाँ बनेगा, रिफ्रैक्शन के बाद में तो ये आपका ई कहलाएगा, एफ ओ। ये क्या कहलाएंगे बेटा? एफ ओ कहलाएगा। इसके फोकस पे आ गई है पहला इमेज हमारा काम होता है। तो इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती है वो फर्स्ट इमेज कहाँ बनाएंगे, फोकस पे बनाते हैं। ठीक, अब जो पहला इमेज आपका बना है ये काम करेगा सेकेंड इमेज के लिए, क्या सेकेंड यानी आई लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट। और जब इसे एज ए ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, फॉर्म करना है, यूज करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग फिर सेकेंड इमेज हमारा कैसा बनता है, यहाँ भी इमेजली आपको बनाना है। तो उस केस में क्या करें, अभी वर्चुअल इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है, ये आपको मान लो आई लेंस है, हम लोग जो आई लेंस होता है ठीक इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आई लेंस इसके कहाँ पे ये फर्स्ट इमेज बना है ये इसके अंदर आ जाए, ये हो जाता हमारा एल पी। एक रे को सीधा सीधा ले जाओगे, जो सीधा जाता है वो कहाँ से पास होगा, सीधा जाने वाला कहाँ से पास होता है बेटा, फोकस से पास होगा। ठीक, और दूसरा जो होगा वो पोजीशन थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी हमको, ये इमेज का पास। ठीक, पीछे आप लाओगे जहाँ दोनों मीट करेंगे वो आपकी पोजीशन हो जाएगी फाइनल इसका इमेज का। ठीक, ये फाइनल हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये फाइनल इमेज जो हम लोग बनाते हैं बेटा ना, ये कोई कंपलसरी नहीं है, चाहे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को चाहे टेलीस्कोप इन दोनों लेंसेज के बीच में ही हो। ठीक, तो वो इन दोनों के बीच में भी लाया जा सकता है, बियॉन्ड भी लाया करता है, डिपेंड करता है कहाँ पे आपका इमेज का पार्मिशन होता है। ये हमारा फाइनल इमेज बना। इस डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं कितना, कह देंगे वी ई, और वी ई की वैल्यू डी से लेके इनफाइनाइट के बीच में यहाँ भी लेते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग कह देंगे यू ई। ये जो डिस्टेंस है पहला जो इमेज बना है, फिर आगे ये वी ओ है, लेकिन ये वी ओ एफ ओ के क्या होता है बराबर, क्योंकि इनफाइनाइट से आपके लिए आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे यू ओ जो आपका होगा ये क्या करेंगे, आप यू ओ की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इस कंडीशन में हमेशा यू ओ जो लेते हैं हम लोग, यू ओ क्या लेते हैं हम लोग, यू ओ की जो वैल्यू लेंगे वो इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक, तो ये इसके फोकस पर बन जाता है। ठीक है, इसे कह रहे थे हम लोग टेलीस्कोप। ठीक, क्या बोलेंगे इसी को, टेलीस्कोप बोला जाता है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कह दिया जाता है। ठीक, तो लिख लीजिएगा सर, आप फोटो बना लीजिए, क्या लिखा देंगे। ठीक, बना लीजिए।